गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। खाजूवाला पंचायत समिति के दूर दराज के ग्राम पंचायत 2 केएलडी में आज अपर्णनी ग्राम पंचायत के तहत टुडे 24 की टीम पहुंची। दूर दराज के इस ग्राम पंचायत में 2484 मतदाता हैं, तो वहीं 4 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। महिला उम्मीदवार धनी देवी इस समय गांव में पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक यह ग्राम पंचायत 35 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, तो वहीं 9 आबादी के साथ 45 चक इस ग्राम पंचायत में हैं। सरपंच उम्मीदवार नारायण राम ने बताया कि 10 अक्टूबर को होने वाली पंचायती राज चुनाव में हमें विजय मिलती है तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत में अनेक विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रतिनिधि उम्मीदवार नारायण राम व मौजूद ग्रामीणों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। पंचायती राज 2020 के अंतर्गत खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को मतदान होने हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही अब तस्वीरें साफ नजर आ रही है। खाजूवाला पंचायत समिति की 2 केएलडी ग्राम पंचायत में टुडे 24 की टीम इस समय पहुंची है। यहां पर 2482 मतदाता हैं, तो वहीं 4 कैंडिडेट 4 उम्मीदवार भी मैदान में डटे हुए हैं। 10 अक्टूबर को यहां पर मतदान होगा। बता दें, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक यह 35 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ग्राम पंचायत, जिसके अंदर आज भी कई सुविधाओं से वंचित हैं। बात करें तो शिक्षा चिकित्सा की कई समस्याएं नज़र आ रही है, तो वहीं शुद्ध पेयजल की भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि यहां पर सिंचित इलाका होने के साथ ही डॉट कवरिंग की भी एक बड़ी समस्या। हमारे साथ यहां पे अनेक मतदाता हैं। इस समय उम्मीदवार धनी देवी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जा रही है। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। यह ग्राम पंचायत किस तरीके की आप समस्या देख रहे हैं? आने वाले उम्मीदवार से क्या आप उम्मीद करें? आज हमारे ग्राम पंचायत में एक तो सड़कों की समस्या है और कई खालों की डाट है, वो भी अभी कई बंची हुई है। हालांकि काम इस 5 वर्षों में पिछले में हुआ है, पर अभी कुछ बंचे हुए हैं। और एक शिक्षा के अंदर भी हमारे स्कूल यहाँ 12वीं तक है, पर अभी शिक्षक की कमी है। 12वीं तक होने के साथ स्टाफ है, तो कम से कम 11-12 तो होने चाहिए। और एक यहाँ पर बॉर्डर इलाका है, तो ATM भी नहीं है। ATM की भी सुविधा होनी चाहिए। यहाँ के ग्रामीणों को दिक्कत होती है और BSF के लोगों की भी दिक्कत होती है। इसी ग्राम पंचायत में आप पिछली योजना के अंदर सरपंच प्रतिनिधि के तौर में रहे हैं, आपके कार्यकाल में खूब विकास कार्य हुए, ऐसे क्या कार्य बाकी हैं ताकि आने वाले आप सरपंच से उम्मीद करेंगे ताकि उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सके और क्षेत्र का विकास हो सके? मैंने 5 साल में शिक्षा पे काम किया है। शिक्षा आज मैं जब सरपंच बना था, जो रेखा कंवर, उस टाइम ये 8वीं की स्कूल थी, उसको 12वीं की क्रमण की। उसके बाद में यहाँ अपने स्कूल के अंदर जो बोर्ड है, 8वीं 10वीं 12वीं का यही बोर्ड है। शिक्षा पे काम किया और पानी की भी समस्या यहाँ GLR, और आज यह अच्छा GLR बना हुआ है। इस पे भी काम किया, डॉट कवरिंग पे काम किया, खालों पे भी काम किया, रोडों पे, जो रोड के जितने भी, जो मैंने ग्राम पंचायत में, ये 35 किलोमीटर में ग्राम पंचायत है, इसमें मैंने 45 किलोमीटर डम्बर सड़क बनवाई है। और जो मैंने विकास जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, मैंने विकास करवाया है इस 2 केएलडी ग्राम पंचायत का। और अब जो मेरे सरपंच और ग्राम पंचायत जो नारायण जी मेघवाल पे विश्वास करेंगे और इस इन ये सरपंच बनेंगे, तो जो बचे हुए विकास हैं कार्य, जो डॉट कवरिंग रह गई है, जो खाड़ा, जो 35 KJD में खाला डॉट कवरिंग है और खाड़ा ही नहीं बना हुआ है 35 KJD पूरे चक में ही, 17 PB में नहीं बना हुआ है, 16 PB में नहीं बना हुआ है, वो खाड़े वो जो बनाएंगे। और जो कोई ग्रेवल सड़क रह गई है, और शिक्षा पे भी काम करेंगे, और पानी की भी जो 16 PB आबादी है, 5 DWD की आबादी है, 33 KJD है, 36 KJD है, इनमें सब में पहले शुद्ध पानी की प्राथमिकता रहेगी और शिक्षा भी प्राथमिकता रहेगी। और विकास का जो हमारा रूटीन चल रहा है पीछे 5 साल से, उसको आगे दुगना करेंगे। बिल्कुल, सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर पिछली योजना में रह चुके कुंदन सिंह का कहना है कि अनेक विकास कार्य हुए, लेकिन आज भी इस पंचायत के अंदर जो कार्य बाकी है उसका प्राथमिकता से करवाने की कोशिश की जाएगी। हम ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे ताकि वो प्राथमिकता से इस बकाया कार्यों को पूरा करवा सकें। हमारे साथ यहाँ पर उम्मीदवार नारायण जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। COVID-19 एक महामारी है, एक प्रशासन
उम्मीदवार और मतदाताओं के लिए बड़ी चुनौती है, क्या अपील करते हैं? एक तो वोट मांगना जमा दन कहीं है, मतलब दो दो फुट तीन फुट दूरियों वोट मांगा, और बाकी 16 पीबी गुनिया शाल फालू दो केल डिना रोड मार, बाकी रीढ़िया डमरेल एक कहीं बकड़ा और बा लिंक रोड है जबकि दो केल डी बा मार डमर रोड, बाकी है एक चार DWD और 8 री आबादी बा केल डी री, बाकी आ मार डमर रोड बन जावे, और बाकी जिया 17 पीबी ई भी है तो भी खाला कच्चा है, दोनों दो नाल लगड़ी है तो बेपक्का कराया, अगर जनता विश्वास करी तो हूँ जी सो आदर हूँ और मैं आज और वोट मांगू जनता फैसलो करे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक बसी है ग्राम पंचायत 35 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है, काटान रास्ते, भूमि आवासीय पट्टी, शुद्ध पेयजल, क्या प्राथमिकता रहेगी ताकि उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे? कहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय है तो कोई है जिक्र पट्टा बनवाया और जकी मतलब जमीन है भी कहीं है कि जिक्र कब्जो है पटो दिरा दिशा, एक ट्यूबवेल है जो वो पानी की व्यवस्था करें, नो आबादी है मारे बाम कहीं पानी की व्यवस्था करें, जट मौके की डाणिया है तो भी 10 डाणी है तो भी पानी की व्यवस्था करें पीने वाले पानी की ट्यूबवेल मारे। बिल्कुल, ये थे उम्मीदवार नारायण जी, इनका कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर जो भी समस्या है, हालांकि आपको बता दें 9 आबादी के साथ साथ 45 चक्की एक बड़ी आबादी है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक ही बसी है ग्राम पंचायत, खाजुवाला पंचायत समिति से भी काफ़ी दूर है, रेतीले दौरों के बीच में बसी है ग्राम पंचायत से, कहीं ना कहीं अब आने वाले मतदाताओं के साथ यह आश्वासन भी दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र का विकास भी हो सके, और इनका कहना है कि सरकार की जो भी योजना होगी उनके पंचायत में क्रियान्वित करवाया जाएगा। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।